राजस्व महाअभियान 2.0 का डिजिटल शुभारंभ हुआ है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इस अभियान का शुभारंभ किया है। 31 अगस्त तक जारी रहने वाले राजस्व महाअभियान से भू स्वामियों के हित में जल्द और आसान सेवाएं मुहैया कराना मकसद रहेगा। आदिकाल से हमारी संस्कृति में गुरु शिष्य की परंपरा का महत्व रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि 21 जुलाई को गुरु पूर्णिमा श्रद्धा के साथ मनाई जाएगी। राजस्व अभियान 2024 का 18 जुलाई से 31 अगस्त 2024 तक का पुनः अभियान चलाया जा रहा है। इसका अर्थ ही है कि सभी प्रकार के हितग्राही पात्र लोग, जिनको कोई को किसान सम्मान निधि नहीं मिल रही है, किसी को और कोई कठिनाई है, सभी प्रकार के राजस्व रिकॉर्ड की त्रुटियों के कारण से जो भी हितग्राही बचे उनको इसमें जोड़ करके अभियान की दुरुस्ती का अभियान चल रहा है, जिसमें बंटवारे, नामांकन, नामांतरण और साथ साथ जो समय सीमा में राजस्व न्यायालय ने जो टाइम दिया है उस टाइम में लंबित सारे प्रकरणों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। मुझे ध्यान में आया कि कई सारे किसान सम्मान निधि के प्रकरण भी इसमें लंबित हो गए हैं, क्योंकि उसकी समग्र आईडी और अन्य अन्य त्रुटियों के कारण वो नाम छूटे हुए हैं। ऐसे सारे लोगों के लिए ये बड़े अभियान में जोड़ करके, खास करके नामांतरण के बाद नक्शे के अंदर उनकी सुधार होकर के प्रॉपर उनका अंकन हो जाए, जिससे उनको लाभ मिले, ऐसे सारे प्रकरण का निराकरण का यह अभियान चलेगा। उम्मीद करेंगे इस अभियान से जनता को हित का ध्यान भी रखा जाएगा और जनता की कठिनाइयों में सरकार सदैव खड़ी है। मेरी